हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आपके पास ये एक क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस 2016 में आ चुका है। अ कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज ओनली टू प्लांट्स T1 एंड T2। प्लांट T1 प्रोड्यूसेस 20% एंड प्लांट T2 प्रोड्यूसेस 80% ऑफ द टोटल कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड। 7% ऑफ कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। इट इज नोन दैट the probability that the computer turns out to be defective given that it is produced in plant T1 is equal to 10 times the probability that the computer turns out to be defective given that it is produced in plant T2. So P denotes the probability of an event a computer produced in the factory is randomly selected and it does not turn out to be defective. Then the probability that it is produced in plant T2 is. तो क्या करना है हमने, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो इवेंट यहां पर अज्यूम कर लेते हैं। एक इवेंट T1 मान लेते हैं, दूसरा इवेंट T2 मान लेते हैं। T1 इवेंट है कि कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1 और T2 है कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। अब इसके बाद क्या है, अब हम यहां पर एक इवेंट ए लेते हैं, सेलेक्टेड कंप्यूटर इज नॉट सेलेक्टेड कंप्यूटर इज नॉट डिफेक्टिव, ये हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो हमें प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। तो यहां से हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, मतलब रिवर्स प्रॉपर्टी हो रही है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, बेस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे, जो फाइनल इवेंट है वो है हमारे पास T2, इससे पहले का इवेंट क्या है, A है। तो हमें इतना पता लग गया है, तो इसके बेसिस पे हम पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं। तो T2 A देन T2 प्रॉपर्टी ऑफ A व्हेन T2 इज गिवन, इसी को ही हम नीचे भी लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ T2 प्रॉपर्टी ऑफ A T2 प्लस Probability of T1, probability of A T1। अब इसमें कुछ चीजें आप देखो, जैसे क्वेश्चन में आपको साफ साफ कहा है कि जो T1 फैक्ट्री है, जो T1 प्लांट है, वो 20% कंप्यूटर्स प्रोड्यूस करता है, तो इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 20%, जिसको हम लिखेंगे 20/100। इसी तरीके से पी T2 क्या है, प्रॉपर्टी दैट द कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2 जो कि 80% है, जिसको हम लिख सकते हैं 80/100। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके अलावा फॉर्मूले में जो लिखा है वो है ए टी टू, इसका मतलब है कि कंप्यूटर्स जो है वो T2 प्लांट ने प्रोड्यूस किए हैं और वो डिफेक्टिव नहीं है। तो नॉन डिफेक्टिव कितने कंप्यूटर्स T2 प्लांट ने प्रोड्यूस किए हैं उसकी प्रॉबिलिटी, जो कि क्वेश्चन में अभी के लिए तो दी नहीं हुई है। पी ए टी वन क्या है, कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1 एंड दे आर नॉट डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर्स को T1 प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये भी हमें नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए अब इस जो फॉर्मूला हमने ऊपर लगाया है, बेस थ्योरम जो लगाया है, तो इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं अब हमें क्या क्या चीज दे रखी है। यहां पर एक खास बात यह कहा है कि प्रॉपर्टी दैट कंप्यूटर्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट T1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स द प्रॉपर्टी दैट द कंप्यूटर्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। ए इवेंट तो हमने मान रखा है कि जो कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हुए हैं, जो सेलेक्ट किया है, वो नॉन डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव नहीं है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर एक इवेंट मान लेते हैं ए बार, और ये है कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड आर डिफेक्टिव, इसको हम मान लेते हैं डिफेक्टिव। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या कहा है कि कंप्यूटर्स टर्न आउट डिफेक्टिव गिवन दैट इन इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1, तो इसकी जो प्रॉबिलिटी है इसको लिखेंगे कैसे, कंप्यूटर्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव when it is given that it is produced in plant T1 is equal to 10 times the probability that computers produced are defective
व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2, ऐसा आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, मैं इसको एक्स मान लेता हूं, तो इसका मतलब है कि पी ए बार T1 इज इक्वल आएगा टेन एक्स के। तो इसको मैंने एक्स मान लिया तो ये मेरे पास टेन एक्स आ गया। तो एक तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी पता चल गई जो मुझे आगे यूज होगा, और एक इसकी प्रॉपर्टी अभी के लिए हमने एक्स मान ली है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 7% कंप्यूटर्स जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो डिफेक्टिव हैं, ठीक। और डिफेक्टिव कंप्यूटर्स के प्रोडक्शन के लिए जो इवेंट एसोसिएटेड है वो है आपका ए बार। तो इसका मतलब है आपको क्वेश्चन में पी ए बार दे रखा है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है 7%, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दे रखा है कि कितने परसेंट डिफेक्टिव कंप्यूटर्स T1 प्लांट बना रहा है या फिर T2 प्लांट बना रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पर थ्योरम ऑफ टोटल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। वो क्या है, इसका मतलब है डिफेक्टिव कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे T1 प्लांट, प्रॉपर्टी दैट कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड इन T1 प्लांट मल्टीप्लाई कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड आर डिफेक्टिव व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1, और या फिर हिंदी का या कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2 एंड कंप्यूटर्स आर डिफेक्टिव व्हेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। तो ये फॉर्मूला आप यहां पर फिर से लगाएंगे। अब इस फॉर्मूले में ये जो दे रखा है ये आपको 7% दे रखा है, जो कि हो गया 7/100। P T1 है आपके पास कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड बाय T1 प्लांट, जो कि आपको 20% दे रखा है, तो हो गया 20/100। ये हम ऊपर अज्यूम कर चुके हैं जो कि 10x है, तो मैं इसकी जगह 10x लिख देता हूं। ये है प्रॉपर्टी दैट द कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2, तो ये है 80%, तो हो जाएगा 80/100। ये क्या है, कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड आर डिफेक्टिव व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2, तो इसकी प्रॉपर्टी हमने एक्स मान रखी है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये 100 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो 7 इक्वल हो गया आपके पास 200x 80x, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 280x, तो x आ गया आपका 7/280। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1/40। तो ऊपर जिनको हमने x माना था जरा उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो P A बार T2 ये क्या है, कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट, ये है कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड आर डिफेक्टिव, और ये है गिवन दैट दे आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट इन प्लांट T2। तो इसको हमने x माना था जो कि हमारे पास 1/40 निकल गया, ठीक। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी 1/40 है तो P A T2 क्या है, PATT2 हो जाएगा आपके पास 1 - x, क्यों, क्योंकि A का मतलब है कि कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड आर नॉन डिफेक्टिव व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 39/40। दूसरा P A बार T1 ये है कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड आर डिफेक्टिव व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1, तो इसको हमने 10x निकाल रखा है। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 × 1/40, तो ये आ गया 10/40। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसी का जस्ट अपोजिट PATT1 ये क्या है, ये कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड आर नॉन डिफेक्टिव व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1, तो ये हो जाएगा 1 - 10x, जो कि हो जाएगा 1 - 10/40। सॉल्व करेंगे तो आएगा 30/40। सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैंने अभी कर नहीं रहा हूं इसको। तो फाइनली अब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। अब मेरे पास ये जो फॉर्मूला है बेस थ्योरम का, इस पूरे फॉर्मूले में मैं सारी की सारी वैल्यूज को रख देता हूं और सॉल्व करता हूं और देखता हूं आंसर क्या आ रहा है। तो ये है PT2A, मैं एक बार फॉर्मूले को नीचे लिख लेता हूं फिर से। ये है PT2A, यह है PT2, PATT2।
यही चीज नीचे लिखी जाएगी, पी टी टू, पी ए टी टू प्लस पी टी वन, पी ए टी वन। अब सभी की प्रॉपर्टीज रख देते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास कितनी है, 80% है, तो ये 80/100 हो गया। इसकी प्रॉपर्टी यहाँ ऊपर निकाल के रखी है मैंने, कितनी है जरा एक बार और देखते हैं, 1/40 है, ये 39/40 है, तो 39/40 रख लेते हैं, 39/40, यही चीज यही है। तो 80/100 मल्टीप्लाई 39/40 फिर प्लस, ये है 20%, तो ये हो गया 20/100, और इसकी प्रॉपर्टी ऊपर निकाली है 30/40, 30/40। अब कैंसिल आउट करते हैं, अब ये देखो ये कैंसिल हो गए सारे, तो ऊपर आपके पास है 80 मल्टीप्लाई 39, नीचे है 80 मल्टीप्लाई 39 प्लस 20 मल्टीप्लाई 30, बस सिंपलीफाई तो करना है, तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। इसको और काट लेते हैं यहां पर, ये 2 2 1 से चला गया, 2 4 2 4, तो ऊपर तो आ गया 4 मल्टीप्लाई 39, ये है 4 मल्टीप्लाई 39 प्लस 1 मल्टीप्लाई 30। कैलकुलेशन आप भी करके देखना, कहीं पर मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लेना उसको। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 36 3 12, ये आ गया 156, और नीचे ये भी आपका 156 प्लस ये हो गया 30, तो ये आ गया 156/186, यहां तक आ चुका है ये। इसको कैंसिल आउट करते हैं, काटते हैं इसको, देखते हैं कितने से कटता है ये तो हो गया है आपका 2 7 14 2 8 16, और 2 9 2 3 6, तो ये आ गया आपके पास 78/93। आप भी अपनी तरफ से कैलकुलेट कर लें और देखें कौन सा रहा, तो ये हो गया कितना, 78/93। तो ऑप्शन में जाते हैं, तो जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।